हेलो फ्रेंड, नमस्कार। अगर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर मोबाइल यूज करते समय बार बार एड्स आ जाता है जिससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इसे आप कैसे बंद कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और उसके अनुसार अपने मोबाइल में सेटिंग कर लेते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए एड्स आने से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड, आप सबसे पहले सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप गूगल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आपका गूगल का अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ऑल सर्विस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रेंड, आप यहाँ पर एड्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। एड्स प्राइवेसी, यहाँ पर एक आईडी को रिसेट करना होगा और एक आईडी को डिलीट करना होगा। रिसेट करने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, ये रिसेट हो गया। उसके बाद डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप डिलीट पर क्लिक कर देंगे। यह सेटिंग होने के बाद आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। यहाँ पर आप थ्री डॉट पर क्लिक कर देंगे फ्रेंड। उसके बाद आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, साइट सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे फ्रेंड, आप यहाँ पर थर्ड पार्टी कुकीज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसको ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज पर ब्लॉक कर देंगे इस तरह से। उसके बाद आप बैक आएंगे फ्रेंड। उसके बाद आप यहाँ पर पॉपअप एंड रीडायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इंटरेस्टिव ऐड इस पर क्लिक करेंगे, इसको भी यहाँ से ऑफ कर देंगे। इस तरह से आप अपने मोबाइल में सेटिंग करके आने वाले एड्स को बंद कर सकते हैं।